नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज दोस्तों हम बात करेंगे ऑटो डोर लॉक सिस्टम की। इस बारे में दोस्तों आपके बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, पूछ रहे थे आप लोग कि सर इसको एक्टिवेट कैसे करें और ऑटो डोर लॉक सिस्टम होता क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये एक सेफ्टी फीचर है। जब आपकी गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर होगी तो ऑटोमेटिक चारों डोर लॉक हो जाते हैं और उसके बाद फिर जो है डोर बाहर से या अंदर से कोई खोल नहीं सकता जब तक आप इग्निशन में से की ना निकालें या फिर यहाँ पर जो ड्राइवर साइड का जो लॉक बटन होता है इसको अनलॉक ना करें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है जो कि मारुति की गाड़ियों के अलावा सभी कंपनियों की गाड़ियों में दिया होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास मारुति की कोई भी गाड़ी है तो उसमें आप इसको किस तरह से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। पहली चीज़ ये है कि आपके पास मारुति की गाड़ी होनी चाहिए। दूसरी, अगर आपने आफ्टर मार्केट सेंटर लॉकिंग का रिमोट लगवाया तो वो निपोन कंपनी का होना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे ये निपोन कंपनी का रिमोट है, चाहे ये आप डीलर से लगवाएं आफ्टर मार्केट, चूँकि ये आफ्टर मार्केट तो नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है, तो ये आपको डीलर पर ही देखने को मिलेगा और मारुति की गाड़ियों के लिए सूटेबल होता है, तो इस तरह का रिमोट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, कुछ गाड़ियों में इस तरह का बटन आपको नहीं देखने को मिलता, अलग तरह का बटन देखने को मिलता है। मारुति की गाड़ियों की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर सेंटर लॉकिंग के लिए एक अलग से बटन दिया होता है, लेकिन ये जो बटन होता है इसको आप यहां पर लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगाया है। इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। एक्चुअली जब हम इस तरह का रिमोट लगवाते हैं तो ये जो बटन होता है इसके अंदर वो लोग छुपा देते हैं, यहाँ पर कोई बटन नहीं लगाते हैं। तो जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं ऑल्टो वगैरह, तो उसमें आपको ये बटन जो है देखने को नहीं मिलता, आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कहाँ पर है ये बटन और ये जो लाइट देख रहे हैं ना, ये इसके अंदर रख देते हैं ये लोग। तो इस बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आपको मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये बटन कहाँ पर होता है, किस तरह से इसको इंस्टॉल किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो फीचर है इसको एक्टिवेट किस तरह से करें। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो हमारी गाड़ी का डोर है ड्राइवर साइड का, इसको आपको ओपन करना है, यानी गाड़ी को अनलॉक करके ओपन करके रखना है डोर को, ठीक है। उसके बाद इग्निशन जो स्विच है इसमें की लगानी है, उसके बाद इग्निशन को आपको ऑन कर लेना है। देखिए, ऑन करने के बाद ऑफ कर देना है तुरंत ही। फिर जो है मैं कैमरा पकड़ा देता हूँ क्योंकि दोनों हाथ का काम है। इसको बटन को आपको 3 बार दबाना है, 1, 2, 3, और चौथी बार में जो लॉक बटन है और ये जो बटन है दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है। तो कुछ सेकंड प्रेस करने के बाद इस तरह का साउंड होगा आएगा, उसके बाद एक और साउंड आएगा। देखिए, ये जो साउंड आया इससे कन्फर्म हो गया कि अब जो ये फीचर है वो एक्टिवेट कर दिया है हमने, ठीक है। तो अब आपकी गाड़ी का जो डोर है वो ऑटोमेटिक 20 की स्पीड पहुंचने पे लॉक हो जाएंगे। अब इस फीचर को डीएक्टिवेट किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेम प्रोसेस है, डोर आपके खुले होना चाहिए, इग्निशन में आपने इस तरह से की लगाई, इग्निशन को ऑन किया, ऑफ किया, 3 बार ये बटन प्रेस करना है, 1, 2, 3, चौथे टाइम में आपको जो लॉक बटन है और ये जो बटन है दोनों को कंटिन्यू प्रेस करके रखना है। तो इस तरह का साउंड आएगा, उसके बाद कन्फर्मेशन साउंड आएगा थोड़ी देर में। तो देखिए दोस्तों, जो ऑटो डोर लॉक सिस्टम है वो डीएक्टिवेट हो गया, क्योंकि मेरी कार में ऑलरेडी से एक्टिवेट था, तो अभी जो है ये मैंने फिर से एक्टिवेट किया है। तो जो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का जो प्रोसेस है सेम है, और आपको केवल जो लॉक बटन है, ये जो आप देख रहे हैं लॉक बटन, आप यहां देख पा रहे हो, लॉक बटन को प्रेस करना है, ठीक है, अनलॉक बटन को प्रेस नहीं करना है। 3 बार इस बटन को प्रेस करने के बाद चौथे बार में आपको ये दोनों बटन को प्रेस करना है। तो उम्मीद है आपको अब पता चल गया होगा किस तरह से हम इस फीचर को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।